हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू दिस लेक्चर मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है और आप देख रहे हैं कंपनी लॉ का डेमो थ्री बेटा जैसे कि आप जानते हैं डेमो टू के अंदर हमने चर्चा की थी अबाउट मीनिंग ऑफ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी हमने पढ़े थे कि सर कंपनी का क्या मीनिंग है और फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का क्या मीनिंग है फिर उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कंपनी के जैसे इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन

सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा वॉट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी देखिए बेटा एंटिटी का मतलब है अ थिंग विद डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम इसको बोल सकते हैं अस्तित्व हैविंग योर ओन एंटिटी हैविंग योर ओन ओन आइडेंटिटी हम इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं तो सर अगर हम कंपनी की चर्चा करें कंपनी की बात करें तो आपको याद होगा हमने बोला था कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन दईज ऑफ लॉ लॉ की नजरों में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ कंपनी को एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज करता है और बहुत सारे राइट्स बहुत सारे uh, कह सकते हैं उसको ऑब्लिगेशंस भी हैं कंपनी के ऊपर जैसे वो uh, अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है वो अपने नाम पे किसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सो देर आर मेनी थिंग्स विच हैज बीन गिवन टू कंपनी एज अ पर्सन अब क्योंकि कंपनी को भी एक पर्सन माना जाता है तो सर कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो उसके मेंबर से और उसके डायरेक्टर से डिफरेंट है सेपरेट है हम ये नहीं कह सकते कि सर मेंबर्स और कंपनी आर वन ऑफ द सेम थिंग जैसे कि आप जानते ही होंगे पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स partners और पार्टनरशिप फॉर्म ये दोनों एक ही चीज होते हम इनको अलग अलग नहीं बोल सकते इसीलिए आपको पता होगा कि सर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है सर क्यों अनलिमिटेड होती है क्योंकि सर पार्टनर्स partners और पार्टनरशिप फर्म दे आर वन ऑफ द सेम थिंग तो पार्टनरशिप की जो एसेट्स है वो पार्टनर्स को बिलोंग करती है एंड सेम वे में जो पार्टनरशिप की लाइबिलिटी होती है वो भी पार्टनर्स को बिलोंग करती है इसीलिए पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा फीचर नहीं है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी की खुद की अपनी एग्जिस्टेंस है अगर हम चर्चा करें मेंबर्स की और बात करें कंपनी की तो हम कहते हैं कि सर मेंबर्स और कंपनी को डिफरेंट करने के लिए देर इज अ कॉर्पोरेट व्हील व्हील का मतलब होता है बेटे पर्दा कर्टेन सो देर इज अ कर्टेन बिटवीन मेंबर्स एंड एंड अ कंपनी जो इन दोनों को सेपरेट रखता है तो मेंबर आर सेपरेट एंटिटी एंड कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं इनका अपना खुद का अस्तित्व है तो हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ मेंबर्स एंड नीदर मेंबर्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ कंपनी आप कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर्स को लायबल नहीं कर सकते ना ही मेंबर्स के एक्ट के लिए कंपनी को लायबल कर सकते हैं कंपनी अपने एक्ट के लिए खुद लाइबल है मेंबर्स अपने एक्ट के लिए खुद लाइबल है तो ये एक कॉन्सेप्ट है आज हम इसी की चर्चा करेंगे आज हम इसी की बात करेंगे और इसके कुछ केसेस भी पड़ेंगे कि सर फर्स्ट टाइम कब कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का ये जो अस्तित्व है ये तो फीचर था ही कंपनी का लेकिन इसको रिकॉग्निशन कैसे मिला वो सारी बातें भी आज हम करेंगे आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना मैं आगे मूव कर रहा हूं सर याद रखना कंपनी बेसिकली क्या है इट इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स याद रखना कंपनी और मेंबर्स दे आर नॉट वन ऑफ द सेम थिंग दे आर डिफरेंट एंटिटीज जैसे अभी हमने पढ़ा हमने बोला कि सर मेंबर्स का अपना अस्तित्व है कंपनी का अपना अस्तित्व है और कंपनी को मेंबर्स के एक्ट के लिए लैबल नहीं किया जा सकता मेंबर्स को कंपनी के एक्ट के लिए लैबल नहीं किया जा सकता तो यही बात की सर जो ये मेंबर्स हैं या ये जो शेयर होल्डर्स हैं वी कैन ऑल्सो राइट मेंबर्स केनॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ कंपनी इवन इफ ही होल्ड वर्चुअली द इंटायर शेयर कैपिटल तो सर ऐसा भी हो सकता है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन मिस्टर ए और इसके पास एक कंपनी के हंड्रेड परसेंट शेयर है क्या सर तब हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी के एक्ट के लिए मिस्टर ए लाइबल होगा आंसर इज नो तो भी मिस्टर ए कंपनी के एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा क्यों नहीं होगा सर सर क्योंकि कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है कंपनी के एक्ट के लिए कंपनी खुद लाइबल होगी याद रखना शेयर होल्डर्स कंपनी के एजेंट नहीं होते और इसी रीजन से कंपनी के एक्ट के लिए उनको लाइबल नहीं किया जा सकता आपने शायद सुना होगा जब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो सेक्शन 182 बात करता था एजेंसी की आपको याद होगा सेक्शन 182 क्या बोलता था कि सर एजेंसी का क्या मतलब है सर जब कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पर काम करने के लिए तो सर उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और जो व्यक्ति अपॉइंट करता है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है और जो व्यक्ति उसके बिहाफ पर काम करता है उसको एजेंट कहा जाता है और याद रखना एजेंट अपने एक्ट के लिए खुद लैबल नहीं होता एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लैबल होता है मतलब जिसने उसको अपॉइंट किया वो लैबल होता है तो याद रखना शेयर होल्डर्स आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी वो कंपनी के एजेंट्स नहीं होते इसीलिए कंपनी के एक्ट के लिए आप उनको लैबल नहीं कर सकते और इसीलिए जब हम बात करते हैं ना इनकॉर्पोरेशन लीगल कारपोरेशन जुडिशियल पर्सन अटिक पर्सन इन लॉ ऑल्सो कन्फर्ड विद राइट एंड ऑब्लिगेशन इज डेल्ट अकॉर्डिंग विदनी को जब हम इन कॉर्पोरेट करते हैं यह भी देखो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कॉर्पोरेट का मतलब होता है एसी एंटिटी है सेपरेट सेट पर्सनैलिटी इज इन द कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी तो कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है ना तो सर कंपनी एक जुडिशियल पर्सन बन जाता है और उस जुडिशियल पर्सन के अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं और उसका अपना खुद का अस्तित्व होता है याद रखना द एंटिटी एक्ट एज नेचुरल पर्सन वो एक नेचुरल पर्सन की तरह काम करती है थ्रू द डेजिग्नेटेड पर्सन और ये जो डेसिग्नेटेड पर्सन होते हैं ना बेटा इनको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली रिप्रेजेंट द कंपनी और ये डिसाइड हुआ था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस श्री सामनाथ दास इस केस के अंदर इट वाज डिसाइडेड कि सर कंपनी एक नेचुरल पर्सन की तरह ही काम कर सकती है थ्रू इट्स डेसिग्नेटेड पर्सन और उन को बोलते हैं बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे मूव कर रहा हूं अब सर एक केस पढ़ने जा रहे हैं सबसे लैंडमार्क केस सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड

और बहुत ही प्रॉफिटेबल काम था बहुत प्रॉफिट्स होते थे इसको तो जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होने लगे इसने सोचा क्यों ना मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लू तो इसने क्या किया सर इसने एक कंपनी बना ली एक पब्लिक कंपनी ओपन करी और आपको पता ही है कि सर पब्लिक कंपनी बनाने के लिए उस वक्त भी सेवन मेंबर्स की जरूरत थी और थ्री डायरेक्टर्स की जरूरत थी याद रखना बेटा ये केस है 1897 का उस समय पे देर वॉज ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक कंपनी कई बच्चे पूछते कि सर प्राइवेट कंपनी भी तो खोल सकता था Private company का बेटा किया किया गया था था के के अंदर शुरु शुरु में के अंदर शुरू शुरू में सिर्फ को को ही incorporate किया जाता था. तो इसने sole proprietorship को सोचा कि क्यों ना मैं और जैसे मैंने आपको बताया कि सर, public company को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सेवन मेंबर्स चाहिए और थ्री डायरेक्टर्स चाहिए तो इसकी पूरी फैमिली कंपनी के अंदर जैसे सैलमन खुद इसकी वाइफ इसका एक बेटा और इसकी चार बेटियां ये सब मिलकर कंपनी के मेंबर्स बन गए तो टोटल कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सर सैलमन ने तो बहुत अच्छी फैमिली प्लानिंग करी हुई है कंपनी बनाने के लिए पूरे सात लोग इकट्ठे कर लिए इसने घर घर में और सर डायरेक्टर्स जब बनने की बात आई तो सर इसका बेटा इसकी बीवी और सैलमन खुद ये डायरेक्टर बन गए कंपनी के और इस तरीके से एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली जैसे ही एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई Salomon ने सोल प्रोप्राइटरशिप का सारा का सारा बिजनेस किसको बेच दिया बेटा पब्लिक कंपनी को सेल कर दिया अब सर्टेनली सर जब सोल अपना बिजनेस कंपनी को देगा तो बदले में कंपनी भी सालमन को कुछ पे करेगी तो सर याद रखना इस पूरे बिजनेस की कीमत थी 38,782 पाउंड्स पूरे बिजनेस की वैल्यू उस वक्त पे 1897 की बात कर रहे हैं। तो सर ये 38,782 पाउंड्स कंपनी ने किस तरीके से सैलमन को दिए आइए इसको भी एक बार जरा जानते हैं इसका एक ले लीजिए फिर मैं आगे मूव करूं सर ये कंसीडरेशन कैसे दिया कंपनी को सर सैलमन को कंपनी ने ट्वेंटी थाउजेंड पाउंड के तो इक्विटी शेयर दे दिए वन पाउंड ईच तो माने कितने शेयर थे सैलमन के पास ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स थे दूसरी बात बेटा टेन थाउजेंड पाउंड उसने सिक्योर्ड डिबेंचर दे दिए सिक्योर्ड डिबेंचर याद रखना बेटा डिबेंचर एक बेसिकली लोन होता है बेटा लोन और क्योंकि सिक्योर्ड है तो कंपनी की जो एसेट्स थी वो एज सिक्योरिटी दी गई थी सो इट अ सिक्योर्ड लोन और बाकी का जो बचा हुआ बेटा 8,782 पाउंड्स था वो कैश पे कर दिया और इस तरीके से बेटा पूरा का पूरा जो उन्होंने कंसीडरेशन था वो सैलमन को दे दिया तो सैलमन के पास इक्विटी शेयर्स थे सैलमन के पास सिक्योर डिवेंचर्स थे और सैल्मन के पास कुछ कैश था तो उसने अपना सारा का सारा प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कंपनी को सेल कर दिया अब सर याद रखना इसके पास जो 20000 शेयर्स थे इसमें से सारे के सारे मेजोरिटी शेयर्स सैल्मन के पास ही थे मतलब 19996 शेयर्स सैल्मन के पास थे एक-एक शेयर्स 94 शेयर्स सैल्मन के पास थे और एक-एक शेयर जो है वो इसने अपने आ, बीवी को बेटे को और बेटियों को दे रखा था तो सर और जो ये टेन थाउजेंड के सिक्योर डिबेंचर्स थे ना ये टोटल सिक्योर डिबेंचर्स भी किसके पास थे बेटा ये सैलम के पास ही थे तो इस तरीके से सैलम ने इनको मेंबर बनाया तो देवर जस्ट मेंबर बाय वन शेयर, क्योंकि मेंबर बनने के लिए एक शेयर चाहिए होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग मेंबर ये मेंबर बने हुए थे अदरवाइज इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था इस पब्लिक कंपनी के अंदर तो हुआ क्या कंपनी को कुछ और पैसों की आवश्यकता पड़ी और एट थाउजेंड पाउंड के उन्होंने कुछ अनसिक्योर्ड लोन ले लिया किससे लिया बेटा पब्लिक से तो पब्लिक से कुछ अनसिक्योर्ड लोन ले लिया और इस तरीके से कंपनी को चलाया लेकिन बेटा कंपनी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक है कंपनी ने बेटा बहुत अच्छा नहीं चला फाइनली द कंपनी वेंट इन टू लिक्विडेशन लिक्विडेशन का मतलब है कंपनी का अप हो गया और आप जानते ही हैं सर अप का मतलब क्या अप का मतलब बेटा सारी एसेट्स को बेचा जाएगा और सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा बेटा तो अब हमें चाहिए था एक ब्यौरा कि सर आपके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं तो हमने जब लाइबिलिटीज देखी एसेट्स देखी तो बेटा सिक्स जीरो पाउंड की टोटल हमारे पास एसेट्स थी इस कंपनी के पास जो सैलमन ने इनकॉर्पोरेट करी थी जिसका नाम था सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड जबकि टोटल लाइबिलिटी की अगर मैं चर्चा करूं तो बेटा सैलमन का खुद का एक सिक्योर्ड लोन था दस पाउंड का और पब्लिक से भी आठ हजार पाउंड का बेटे अनसिक्योर्ड लोन ले रखा था तो दो लाइबिलिटीज अराइज होती थी अब सैलम बोलता है कि सर क्योंकि मेरा तो सिक्योर्ड लोन है पहले पेमेंट मुझे होगी जबकि पब्लिक क्लेम कर रही है कि नहीं भैया हमें पैसा दो हमारे को हमारा मनी मिलना चाहिए यू टेक अ स्क्रीनशॉट सैलमन बोल रहा है कि भैया मैं

या सैलमन को मिले इस केस में याद रखना बेटा उस समय क्योंकि ये इंग्लैंड का केस है और इंडिया का केस नहीं है तो उस इंग्लैंड के अंदर उस समय पर हाउस ऑफ लॉर्ड होता था तो एक बार देखते जरा क्या डिसाइड हुआ डिसीजन क्या आया सर याद रखना हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब ये मैटर गया तो उन्होंने सैलमन के फेवर में डिसीजन दिया

हाउस ऑफ लॉर्ड ने डिसाइड किया क्योंकि जो ये पब्लिक है इनका अनसिक्योर्ड लोन है और जो सैलम है उसका सिक्योर्ड लोन है तो सिक्योर्ड वालों को पहले पेमेंट होती है और अनसिक्योर्ड वालों को बाद में पेमेंट होती है और ये एक real company है, ये एक रियल कंपनी 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 है कोई company, कोई झूठी फेक नहीं बनाई सैलम ने Salomon ने कंपनी बिजनेस करने के लिए बनाई और एक्चुअली ये कंपनी बिजनेस करती भी थी वो तो अलग बात है कि सर कंपनी का बिजनेस चला नहीं और कंपनी को वाइंड अप होना पड़ा दूसरी बात उन्होंने क्या बोली वो बोलते कि सर इन्होंने इस केस के अंदर वन मैन कंपनी का कॉन्सेप्ट भी किया वन मैन कंपनी का मतलब है जहां पर एक ही व्यक्ति के पास मेजोरिटी कंट्रोल होता है कंपनी का अब आप देखोगे सर इस केस के के अंदर ने सारे के सारे शेयर्स अपने पास रखे सारे के सारे डिबेंचर अपने पास रखे डिसीजन मेकिंग सैलमन ने अपने पास रखी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो सर सब कुछ सैलमन के पास ही था और सर ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की ये भी एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर सामने आया कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड एट वन टाइम अ पर्सन कैन बी मेंबर क्रेडिटर एंड ऑफ द कंपनी एज वेल एज अ डायरेक्टर अब सर इस केस में अगर देखा जाए तो सैलमन कंपनी का मेंबर भी है सैलमन कंपनी का डायरेक्टर भी है सैलमन कंपनी का, का डिवेंचर होल्डर भी है तो सैलमन एक ही व्यक्ति होते हुए अलग अलग कैपेसिटी में कंपनी के साथ इन्वॉल्व है तो सर क्या ऐसा हो सकता है हाँ ऐसा हो सकता है तो इस एक डिसीजन के अंदर मैं बोलूंगा कि सर बहुत सारी बातें सामने निकल के आई फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सर इस केस में और भी कुछ कुछ बातें आई दैट देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम मेंबर्स टू द कंपनी एंड वाइस वर्सा सर मेंबर्स चाहे तो कंपनी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं कंपनी भी चाहे तो मेंबर्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती है कंपनी हैज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ओन कंपनी की खुद की अपनी राइट्स और ड्यूटीज होती हैं एंड कंपनी इज नॉट एजेंट ऑफ मेंबर्स और डायरेक्टर्स और कंपनी जो है वो मेंबर्स और डायरेक्टर्स की एजेंट नहीं होती तो बेटा इस केस के अंदर अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारी बातें निकल कर आई और बेसिक डिसीजन जो था वो ये था कि सर कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सर सैलमन तो खुद कंपनी है नहीं सैलमन एक डिफरेंट एंटिटी है उसकी कंपनी एक डिफरेंट एंटिटी है और सैलमन एक व्यक्ति होते हुए कंपनी के साथ अलग अलग कैपेसिटी में इन्वॉल्व है इसीलिए एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर सैलमन को उसका पैसा वापस मिलना चाहिए तो इस केस के अंदर फर्स्ट टाइम सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया गया आप इस केस की एक बार आ, फोटो क्लिक कर लीजिए फिर मैं आगे मूव कर रहा हूं ऐसे ही बेटा एक और केस आया, 1960 के अंदर दैट इज ली वर्सेस ली ए फार्मिंग लिमिटेड आइए फैक्ट समझते हैं कि सर इस केस में क्या डिसाइड हुआ याद रखिएगा देर वॉज अ पर्सन मिस्टर ली और इनकी एक कंपनी थी दैट वॉज एयर फार्मिंग कंपनी ली एयर फार्मिंग कंपनी ये कंपनी क्या काम करती थी बड़े ध्यान से समझना सर सर इस कंपनी का का काम था एयर एयर ड्रेसिंग ड्रेसिंग करना ड्रेसिंग का मतलब होता है कि सर, आपने शायद देखा होगा जब खेतों के ऊपर फर्टिलाइजर को स्प्रे करना होता है तो वो क्या करते हैं बड़े बड़े आ, आ, जो एप्लेन होते हैं उनके थ्रू वो फार्म्स के ऊपर से वो आ, उड़ते हैं और वो पूरा उनको फर्टिलाइजर उनके ऊपर स्प्रे करते हुए जाते हैं तो उसको बोलते हैं एयर ड्रेसिंग तो इनका एयर ड्रेसिंग का काम था बेटा मिस्टर ली के पास 2,999 शेयर्स थे ऑल ऑफ आउट ऑफ 3,000 शेयर्स एंड ही वाज अ सोल डायरेक्टर खुद अपने आप ही डायरेक्टर था एंड वाज एम्प्लॉय एज अ चीफ पायलट ये कंपनी का चीफ पायलट भी था मतलब ये जो प्लेन्स थे ना ये मिस्टर ली खुद उड़ाता था ऐसा नहीं था कि इस कंपनी में और इंप्लॉयज नहीं थे और भी इंप्लॉयज थे लेकिन मिस्टर ली भी एक एम्प्लॉय था तो सर अब आप खुद बताओ मिस्टर ली कितनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं सर पहली बात मिस्टर ली मेंबर है दूसरी बात सर वो डायरेक्टर भी है तीसरी बात सर वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है इज इन तो मिस्टर ली के बहुत सारे काम है अब क्योंकि सर ये जो कंपनी थी ली एयर फार्मिंग लिमिटेड इसने एक इंश्योरेंस कंपनी से वॉकमैन कॉम्पनसेशन के ऊपर इंश्योरेंस ले लिया बेटा बात बड़े ध्यान से समझना व्हाट इज वॉकमैन कॉम्पेंसेशन याद रखना वॉकमैन कॉम्पेंसेशन बेसिकली क्या होता है सर अगर कभी वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट काम करने के दौरान अगर वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको पे करने की जिम्मेदारी बेटा कंपनी की होती है ये याद रखना तो सर क्या होता है कंपनी इंश्योरेंस ले लेती है कि सर अगर कल को मेरे किसी वर्कर को कोई एक्सीडेंट हो गया उसका और उ, उसको कोई नुकसान हुआ उसको कोई इंजरी हो गई या उसकी डेथ हो गई तो जो कंपनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी तो इंश्योरेंस अगर आपने ले रखी हो तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये बर्डन आ जाता है तो इसके लिए कंपनी को क्या पे करना पड़ता है कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ता है हर साल कंपनी प्रीमियम पे करती है एंड डिपेंडिंग अपॉन कितने इंप्लॉइज हैं और नेचर ऑफ वर्क कैसा है ये प्रीमियम वेरी करता है अगर ज्यादा खतरे का काम है तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है अब कंपनी ने क्या किया कि सर इंश्योरेंस कंपनी से अपने वर्कर्स का इंश्योरेंस ले लिया वो भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ऊपर और एक दिन सर मिस्टर ली की एयर क्रैश में डेथ हो गई मिस्टर ली डाइड इन प्लेन क्रैश अब सर क्योंकि मिस्टर ली मैंने आपको बताया कंपनी एज वेल तो हुआ क्या कि जो मिसेज ली थी मिस्टर ली की वाइफ उसने कंपनी से क्लेम किया कि भैया मुझे डैमेजेस दो ट्वेंटी फोर हंड्रेड थर्टी पाउंड मुझे पे करो आप क्यों क्योंकि सर मेरे हस्बैंड आपके कंपनी के एम्प्लॉय थे और उनकी डेथ हो गई एक प्लेन क्रैश के अंदर काम करने के दौरान उनकी मौत हो गई और सर कंपनी ने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी से भैया मेरा कॉम्पनसेशन दो भैया मेरा एक एंप्लॉय मर गया याद रखना बेटा इस केस में ये जो इंश्योरेंस कंपनी थी इसने पैसे देने से मना कर दिया और बोला कि सर मिस्टर ली एम्प्लॉय थोड़े थे मिस्टर ली तो खुद एम्प्लॉयर थे मिस्टर ली तो खुद मालिक थे और मिसेस ली ने केस फाइल कर दिया किसके अगेंस्ट सर इस कंपनी के अगेंस्ट ली एयर फार्मिंग लिमिटेड के अगेंस्ट उसने केस फाइल कर दिया याद रखना न्यूजीलैंड के अंदर यह केस फाइल किया क्योंकि न्यूजीलैंड का केस था और जो कोर्ट ऑफ तो अपील थी न्यूजीलैंड की

केस डाला तो कोर्ट ऑफ अपील ने तो बोला कि नहीं मिस्टर ली तो एम्प्लॉयर हैं मिस्टर ली को पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि एम्प्लॉय होने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए तो क्या एक व्यक्ति सेम टाइम पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हो सकता है कोर्ट ऑफ अपील ने बोला नहीं हो सकता लेकिन इसी की अपील की गई थी बेटा प्राइवी काउंसिल के अंदर लेकिन प्राइवी काउंसिल ने इसी के अगेंस्ट में डिसीजन दिया उन्होंने बोला नहीं मिसेस ली वाज एंटाइटल टू कॉम्पनसेशन सिंस इट वाज परफेक्टली पॉसिबल फॉर मिस्टर ली टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी दैट ही ओन्ड प्राइवेट काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि सर इसमें कोई गलत नहीं है मिस्टर ली का अपनी ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और मिस्टर ली एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो एक व्यक्ति अपनी ही कंपनी में इंप्लॉय भी हो सकता है मतलब जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है उसी कंपनी का वो एम्प्लॉय भी हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि सर कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और सर इस केस के अंदर भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आया आई होप आपको ये केस भी समझ में आया होगा इसकी भी एक बार आप फोटो क्लिक कर लीजिए फिर मैं आगे मूव करता हूं चलिए अब सर ये जब सैलमन का केस आया ना तो सैलमन के केस को क्रिटिसाइज भी किया गया नो डाउट डिसीजन वाज इन द फेवर ऑफ सैलेमन और सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया गया लेकिन क्रिटिसिज्म हैज बीन बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द कॉर्पोरेट व्हील ये जो आपकी कॉर्पोरेट एंटिटी है ना मे एट टाइम्स लीड टू इनजस्टिस व्हील का मतलब मैंने आपको क्या बताया था व्हील का मतलब मैंने आपको बताया था कर्टन पर्दा ये जो कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है कि भैया कंपनी एक डिफरेंट एंटिटी है मेंबर्स डिफरेंट एंटिटी हैं और उनको डिफरेंट करने के लिए एक कॉर्पोरेट व्हील लगाई हुई है आपने बीच में एक पर्दा डाला हुआ बीच में जो कंपनी को और मेंबर्स को अलग रखता है उन्होंने बोला कि सर इसकी वजह से कई बार अन्याय हो सकता है इनजस्टिस हो सकता है कैसे सर खान फ्रेंड डिस्क्राइब दैट द डिसीजन मेड ऑन सैलमन वॉज क्लैमिटीज क्लैमिटीज मतलब इवन रिजल्टिंग इन लॉस उन्होंने बोला कि सर अगर आप ऐसा करोगे तो लोग मिस करेंगे कॉर्पोरेट व्हील को क्रिटिसिज्म इज आल्सो माउंटेड अगेंस्ट केस ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इज गिवन टू सेपरेट आइडेंटिटी प्रिंसिपल ओवर द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ वन मैन कंपनी लोगों ने बोला कि सर आपने कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी को तो आइडेंटिफाई किया लेकिन ये वन मैन कंपनी वाला कॉन्सेप्ट तो आपने देखा ही नहीं ही वाज होल सोल ओनर ऑफ द कंपनी खुद ही अपने आप डायरेक्टर था खुद ही अपने होल्डर था सब कुछ वो ही कर रहा था तो, कंपनी को फिर भी डिफरेंट एंटिटी माना आपने उसको और कंपनी को फिर भी सेपरेट लीगल एंटिटी माना और उसको बेनिफिट मिल गया इसका तो इसके क्रिटिसिजम तो नो no डाउट होने लगे दूनानिमस रूलिंग मेड द हाउस ऑफ लॉर्ड इन अस

चलिए नौ अब हम इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर फिर बाद में डाला दैट इज पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पियर्सिंग को हम लिफ्टिंग भी बोल सकते हैं लिफ्टिंग का मतलब हटाना या उठाना तो उन्होंने बोला देखो भाई ऐसा है ये नो डाउट सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मिसयूज करेंगे इसका मतलब यह कते भी नहीं है कि आप कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी का दुरुपयोग करेंगे अगर आपने कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मिसयूज किया तो याद रखना हमें सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को रिमूव कर देंगे हमें सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देंगे और कंपनी और मेंबर्स को एक ही मानते हुए कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर्स को लेबल कर देंगे तो मतलब जब तक तो आप गुडी गुड्डी चल रहे हो जब तक तो आप कंपनी की एंटिटी को मिसयूज नहीं कर रहे हो तब तक तो सेपरेट लीगल एंटिटी का करता है, लेकिन मोमेंट आपने कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मिस किया सर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो इस कॉरपोरेट व्हील को हटा सकती है इस कॉरपोरेट व्हील को उठा सकती है और उसके उठाने के बाद होगा क्या सर कॉरपोरेट व्हील दोनों को सेपरेट रख रही है कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर्स को लैबल नहीं किया जा सकता मेंबर्स के एक्ट के लिए कंपनी को लैबल नहीं किया जा सकता लेकिन में होगा क्या लिफ्टिंग ऑफ कंपनी को के के लैबल किया जा सकता है तो सोच समझ के इस सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करना अगर आपने इसको मिस यूज करने की कोशिश करी तो सर इसको हटाया भी जा सकता है तो जब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ सैलम वर्सेस सैलम के केस का तो उन्होंने ये ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का भी कॉन्सेप्ट डाला अ फ्यू इयर्स लेटर आफ्टर सैलमन केसेस इंग्लिश कोर्ट हेल्ड दैट इन सर्टेन सिचुएशन इट वाज टू डिसरिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड टू पियर्स द कॉर्पोरेट व्हील तो कुछ सालों के बाद जैसे मैंने आपको बताया जब बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट का तो उन्होंने बोला कि ठीक है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट तो रहेगा लेकिन कुछ सिचुएशंस में अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को मिसयूज किया तो हम इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं और कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर्स को भी कर सकते हैं पियरसिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मींस इग्नोरिंग द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी पियरसिंग का मतलब क्या है आपने कॉर्पोरेट विल को हटा दिया आपने कॉर्पोरेट वील को रिमूव कर दिया और रिमूव करने का मतलब क्या है इट मीनस दिस रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड लुकिंग बिहाइंड द रियल पर्सन हु आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी और दे विल बी हेल्ड लाइबल याद रखना वो वो लाइबल हो जाएंगे तो अगर आपने बेटे इस कॉन्सेप्ट को मिस किया याद रखना हम इस व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं और ये अथॉरिटी दी इन्होंने कोर्ट को द कोर्ट ऑफन डज दिस सो टू रीच द पर्सन बिहाइंड व्हील एंड रिवील ट्रू ने कंपनी तो कई बार व्हील को लिफ्ट कर दिया गया उसको लाइबल किया जा सके इट वॉज हाउ अवर बिकम अस्क फॉर अकेडेमिक्स एंड प्रैक्टिशनर टू फाइंड द बेसिस ऑन विच कोर्ट में लिफ्ट द इन्होंने कोई बेसिस सेट नहीं किया इन्होंने कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई सिचुएशंस बना दी कि इस सिचुएशन में लिफ्ट कर दी जाएगी इस सिचुएशन में लिफ्ट नहीं की जाएगी उन्होंने ये पावर दी कोर्ट को उन्होंने बोला ये कोर्ट की मर्जी है ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो किस पर्टिकुलर केस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करना चाहते हैं और किस पर्टिकुलर केस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट नहीं करना चाहते तो जो पढ़ने वाले लोग हैं जो रिसर्चर्स हैं जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको नो no डाउट थोड़ी दिक्कत आई कि सर कौन से केसेस में वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं कौन से केस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट नहीं कर सकते तो बिकॉज इट वॉज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट थोड़ा सा मुश्किल हो गया था इन डिटरमाइनिंग वेन टू डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी टेटर्स हैव ऑफन डिवाइडेडिस इन टू सेवरल डिस्टिंग कैटेगरी तो कुछ कुछ केसेस में उन्होंने रिवील कॉरपोरेट uh, व्हील को लिफ्ट कर दिया अब हम वो कुछ केसेस पढ़ेंगे तो थोड़ी सी आपको बात समझ में आएगी चलिए मैंने जैसे कि आपको बताया अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि सर जो ये जो मेम्बर्स होते हैं और ये जो कंपनी होती है ये सब सेपरेट एंटिटी होते हैं इज इट और इनको सेपरेट करने के लिए देर इज कॉर्पोरेट व्हील व्हील का मतलब मैंने आपको बताया पर्दा एक है जो दोनों को अलग करता है लेकिन सर सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में क्या हो रहा है सर, अगर मेंबर्स ने सेपरेट लीगल एंटिटी किया अभी तो आप सेपरेट एंटिटी हो कब तक सेपरेट हो जब तक आप इसको मिसयूज नहीं करोगे तब तक सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिलेगा लेकिन द मोमेंट आपने सेपरेट लीगल एंटिटी को मिसयूज किया याद रखना बेटा कोर्ट के पास पावर है क्या कि सर वो इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है और लिफ्ट करने का मतलब क्या होगा दैट कंपनी एंड मेंबर्स विल बिकम वन ऑफ द सेम थिंग आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट अब आइए सर कुछ कुछ केसेस पढ़कर देखते हैं और फिर ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहेंगे बिकॉज नाउ दे विल बी कंसीडर्ड वन ऑफ द सेम थिंग सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है इस पर क्रॉस लग गया इज एंड आइए सर एक बार जरा केसेस जरा पढ़कर देखते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड कर दिया गया सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया गया केसेस नंबर वन देखो बेटा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू कई बार रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के परपज से कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है एक केस है सरदीनचा मानिश जी पिटाइट वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1926 का केस है बेटा आइए जरा इसके फैक्ट्स देखते हैं कि केस के फैक्ट्स क्या हैं बेटा देर वाज अ पर्सन मिस्टर एक्स और इनको बहुत ह्यूज इनकम होती थी दो अमाउंट्स इनको मिलते थे दो जगह से इनकम होती थी इनकम थी 390000 एंड 804 याद रखना है 1926 का केस है आज का केस नहीं है। आज के हिसाब से ये इनकम थोड़ी लेकिन बड़ा था। तो थ्री एट फोर रुपीस की इसको इनकम हुई और गवर्नमेंट एंड अदर फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग फंड से हुई और वन लाख फोर्टीन थाउजेंड फोर रूपीज की जो इनकम हुई है इसको डिविडेंड इन कंपनीज मतलब इसने कंपनीज के कुछ सिक्योरिटीज ले रखी थी तो इसके पास कुछ एफडी थी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी और कुछ इसके पास कंपनी के शेयर्स थे तो इन शेयर्स की वजह से इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वजह से इन एफडीज़ की वजह से इसको बहुत सारी इनकम होती थी सर्टनली इस इनकम के ऊपर फिर इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता था भाई तो इनकम टैक्स को अवॉइड करने के लिए इसने कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मिस किया कैसे मिस किया आइए जरा देखते हैं इसने क्या किया सर चार फैमिली कंपनी अपनी बनाई और अपनी सारी एफ सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सारे अपने शेयर्स इस चार कंपनीज को ट्रांसफर कर दिए उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिए तो फोर कंपनीज इसने बनाई दीज वाज़ द फैमिली कंपनी फैमिली कंपनीज का मतलब जिसमें चारों कंपनीज में ही ही हिमसेल्फ वाज द डायरेक्टर ही हिमसेल्फ वाज द मेंबर जब इसने अपनी सारी के सारी एसेट्स सारे के सारे शेयर्स सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन कंपनी के नाम पे कर दी सर्टनली सर ये जो डिविडेंड था फिर कंपनी के नाम पे आने लगा ये जो कल तक इनकम मिस्टर एक्स को हो रही थी ये इन चार फैमिली कंपनीज को होने लगी तो फैमिली कंपनी स्टार्टेड रिसीविंग द डिविडेंड इनकम विच वॉज एक्ट टू अ पर्टिकुलर लिमिट याद रखना बेटा उस समय पे 1926 की अगर मैं बात करूं तो उस समय पर कंपनी को कुछ एग्जामशन मिला हुआ था कि सर आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर डिविडेंड इनकम आती है मतलब अगर एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिलता है या गवर्नमेंट से कोई इंटरेस्ट मिलता है या एफडी का कोई इंटरेस्ट मिलता है तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको वो एग्जाम है ये चार कंपनीज बनाने का पर्पस ही यही था कि सर हर कंपनी को जितना जितना एग्जाम था उसको उतने उतने शेयर ट्रांसफर कर दिए और अपनी सारी की सारी इनकम इसने क्या कर ली सर टैक्स फ्री कर ली और फिर क्या होता था कि सर जो भी ये इनकम इन कंपनीज को आती थी ना चार कंपनीज को ये खुद को अपने आप को लोन दिलवा लेता था दीज कंपनीज गिव दिस मनी बैक टू मिस्टर एक्स इन फॉर्म ऑफ लोन तो वो आप क्योंकि खुद ही की कंपनी थी अपने आप को लोन के थ्रू ये वापस दिलवा लेता था अब जब इनकम टैक्स वाले इसके पास टैक्स मांगने आए तो ये कहता है कि भैया मैं किस बात का टैक्स मैंने तो लोन ले रखा है भाई मैंने तो लोन ले रखा है और जब इनकम टैक्स वाले इन चार फैमिली कंपनीज के पास गए तो वो बोलते कि हां हमें इनकम तो हुई है नो no डाउट लेकिन देखो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारी इनकम एग्जाम है तो इनकम टैक्स को ऑफिसर को यह लगा कि भैया ये व्यक्ति ने यह जो चार कंपनी बनाई है ना यह प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है यह सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को मिसयूज कर रहा है तो हुआ क्या और याद रखना ये जो कॉन्सेप्ट बहुत सालों तक चलता रहा मतलब हर साल ये ऐसे ही करता था उन कंपनी से जो भी डिविडेंड uh, आता था अपने आप को लोन दिलवा लेता था जो भी डिविडेंड आता था अपने आप को लोन दिलवा लेता था याद रखना इस केस में इनकम टैक्स कमिश्नर ने केस फाइल किया तो दे फाइल सूट अगेंस्ट मिस्टर एक्स इन द कोर्ट और कोर्ट ने क्या बोला कोर्ट ने बोला दैट कोर्ट हेल्ड बनाई थी आर फॉर्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉर्पोरेट व्हीलिफ्टी एक्शन लिया और उस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया गया तो ये केस था जिसके अंदर डिसाइड हुआ कि अगर आप कंपनी की कॉरपोरेट व्हील को मिस करोगे अगर आप कंपनी की सेपरेट पर्सनैलिटी को मिसयूज करोगे तो सर इस केस में हम उस अप लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को अवॉइड कर देंगे आइए एक छोटा सा केस और पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉड गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न यह भी एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट केस है देयर वाज अ पर्सन मिस्टर ए एंड ही वाज एम्प्लॉय इन अ कंपनी एक्स लिमिटेड के अंदर बेटे एम्प्लॉय था कुछ साल काम करने के बाद मिस्टर ए ने रेजिग्नेशन दे दिया कंपनी से ही resigned from the company और जिस दिन इसने रिजाइन दिया उस दिन कंपनी ने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन द डे ऑफ रेसिग्नेशन एक्स लिमिटेड मतलब ये कंपनी एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर ए दैट ही विल नेवर सॉलिसिट द क्लाइंट ऑफ एक्स लिमिटेड यू नो वॉट इज सॉलिसिट सॉलिसिट का मतलब होता है टू कन्विंस और टू प्रोवाइड सर्विस तो एक्स लिमिटेड ने ए मिस्टर ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया क्योंकि आप मेरे कंपनी के एम्प्लॉई हो आप तो मेरे सारे क्लाइंट्स को जानते हो कहीं ऐसा ना हो कल को आप मेरे क्लाइंट्स को सोलिसिट करना शुरू कर दो मेरे क्लाइंट्स को आप सब ले जाओ और मैं कुछ कर ही ना पाऊं तो आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो कि आप मेरे क्लाइंट्स को कभी भी सोलिसिट नहीं करोगे ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए और एक्स लिमिटेड के बीच में हुआ लेकिन मिस्टर ए की नीयत खराब हो गई मिस्टर ए ने क्या किया एक कंपनी बनाई ए लिमिटेड और इस कंपनी का डायरेक्टर बन गया मेंबर बन गया और इस कंपनी ने एक्स लिमिटेड के जो क्लाइंट्स थे उनको सोलिसिट करना स्टार्ट कर दिया मिस्टर द कॉन्ट्रैक्ट ही अ न्यू कंपनी विथ स्टार्टेड सोलिसिटिंग क्लाइंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड वो एक्स लिमिटेड के जो क्लाइंट्स uh, uh, थे उनको सॉलिसिट करना शुरू कर दिया तो इस केस में एक्स लिमिटेड ने मिस्टर केस फाइल किया भैया आप कैसे मेरे ऊपर मेरे क्लाइंट्स को सोलिसिट कर सकते हो इस पर मिस्टर ए बोलता है कि सर आपने मुझे सोलिसिट करने से मना किया है, मैं तो सोलिसिट नहीं कर रहा ये तो ए लिमिटेड है मेरी कंपनी जो सोलिसिट कर रही है तो एक्स लिमिटेड ने बोला वो कंपनी के ओनर तो आप ही हो मिस्टर ए ने बोला नहीं मैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी हूं क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी को मिस कर रहा था याद रखना इस केस में भी कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर आप सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को मिस करोगे तो इस केस में भी कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट व्हील तो वहां पर आप रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर रहे थे पहले केस में यहां पर आप फ्रॉड कर रहे हो तो अगर आप फ्रॉड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे और कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मिसयूज करोगे तो सर याद रखना इस केस में भी आपको हम ऐसा करने नहीं देंगे और इस केस में कोर्ट ने कॉर्पोरेट वील को लिफ्ट कर दिया माने मिस्टर ए को लाइबल कर दिया फॉर द एक्ट ऑफ ए लिमिटेड इज इट फाइन चलिए आगे बढ़ रहे टू नो द चार्टर ऑफ द कंपनी कई बार हमें यह पता करना होता है कि इस कंपनी का नेचर क्या है कौन इसके पीछे है बेसिकली एक केस करते हैं डामलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड क्या डिसाइड हुआ इस केस के अंदर सर एक कंपनी थी मान लो कोई भी नाम रख लो टॉमी एंड कंपनी और यह एक जर्मन की कंपनी थी बेटा जर्मनी की कंपनी थी इसने एक और कंपनी को ओपन किया इट ओपन अ सब्सिडरी कंपनी और यह सब्सिडरी कंपनी कहां पर ओपन करी बेटा ये सब्सिडरी कंपनी इसने इंग्लैंड में ओपन करी तो याद रखना इस कंपनी के अंदर मेंबर्स कौन थे सर ये टॉमी कंपनी थी इस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन थे सर ये टॉमी लिमिटेड थी याद रखना ये जो कंपनी थी ये इंग्लैंड में ही रजिस्टर्ड थी इंग्लैंड में ही ऑपरेट होती थी इंग्लैंड में ही बिजनेस करती थी सब कुछ इंग्लैंड में करती थी ये जो सब्सिडरी कंपनीज ने खोली और इस कंपनी के सारे के सारे शेयर्स किसके पास थे टॉमी एंड कंपनी लिमिटेड के पास थे तो याद रखना और जितने भी डायरेक्टर्स थे वो भी कहां के रेसिडेंट थे बेटा जर्मनी के रेसिडेंट थे इस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स कहां के रेसिडेंट थे जर्मनी के अब हुआ क्या सर इंग्लैंड इस कंपनी ने कुछ क्रेडिट पे सेल किया था कहां पर इंग्लैंड के अंदर कुछ आपको पता है कंपनी को क्रेडिट तो देना ही पड़ता है उधार तो देना ही पड़ता है तो कई सारी उधार में इसने सेल्स करी थी एंड इन बिटवीन हुआ क्या जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में वॉर हो गया लड़ाई हो गई युद्ध हो गई तो ये जो डेटर्स थे ना डेटर्स इनकी नीयत खराब हो गई इन्होंने बोला भैया क्योंकि अब आप हमारे एलियन एनिमी हो एलियन एनिमी समझते हो ना एक ऐसी एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी कंट्री में से बिलोंग करता है जिसके साथ आपकी कंट्री का वॉर है वो आपका एलियन एनिमी होता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही बोलता है और उस समय के पे इंग्लैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो भी हमारा और उनका सेम ही था इंग्लैंड का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता था कि सर एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो डेटर्स ने पे करने से बेटा मना कर दिया डेटर्स डिनाई टू रीपे तो इस केस में ये जो कंपनी थी उन्होंने बोला कि सर आप ना एलियन एनिमी हो और क्योंकि आप एलियन एनिमी हो हम आपको रिपे नहीं करेंगे तो कंपनी ने कोर्ट में केस फाइल किया इट इज अट कंपनी ने कोर्ट में सूट फाइल किया डेटर्स के अगेंस्ट कि भैया मैं एलियन एनिमी कैसे होगी मैं इंग्लैंड में रजिस्टर्ड हूं मैं इंग्लैंड में ऑपरेट करती हूं मैं इंग्लैंड में बिजनेस करती हूं मैंने इंग्लैंड में लोन दिया ये जो क्रेडिट सेल करी कहां करी इंग्लैंड में करी मैं सब कुछ तो इंग्लैंड में तो मेरा तो रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आप देखो तो मैं तो भैया इंग्लैंड की ही हूं मैं इलियन एनिमी कैसे होगी इस केस में बेटा याद रखना कोर्ट ने टू आइडेंटिफाई चार्टर ऑफ कंपनी कोर्ट ने ऑर्डर किया टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वील दैट वी कैन सी दैट हुर द रियल पर्सन बिहाइंड कंपनी असली लोग कौन है कंपनी के पीछे तो जब इन्होंने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया तो बेटा आप बताओ शेयर्स किसके पास थे सर जर्मन की कंपनी के पास थे डायरेक्टर्स कौन थे सर जर्मन के रेसिडेंट थे जर्मन के नागरिक थे तो सर इस केस में इस कंपनी को एलियन एनिमी डिक्लेयर कर दिया गया और कोर्ट ने हेल्ड किया कि डेटर्स आर नॉट लाइबल टू पे दिस कंपनी वाई बिकॉज इट इज एन एलियन एनिमी तो कई बार बेटा कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया कई बार कॉर्पोरेट व्हील को हटा दिया गया कई सारे रीजन की वजह से तो ये कुछ केसेस थे बेटा जो हमने आज के इस लेक्चर में किए आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी आज के लिए हम इतना ही करते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थैंक यू सो वेरी मच